तो हम अभी पिट स्टॉप करने के लिए रुके हैं। ये है पोर्टिको और ये देखो व्यू। आज अच्छा सनी भी है तो काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है हमें ऐसे बारिश के मौसम में भी। काफ़ी ठंड भी है, बहुत हवा चल रही है। अभी हमने यहाँ पे सैंडविच खाया और ये व्यू देखने के लिए रुके और अब हम आगे बढ़ेंगे। हम जा रहे हैं डायरेक्ट नाइन फॉल्स, तो वहाँ पे देखते हैं हमें कैसा व्यू मिलता है। बट अभी का व्यू ये देखो, दूसरी तरफ का दिखाती हूँ। ये काफ़ी अच्छा एरिया, यहाँ पे फ़ोटोशूट्स कराओ। सामने फ़ोटोशूट हो रहा है एक्चुअली, दो लड़के आए हैं उनका फ़ोटोशूट चल रहा है। और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम रहता है, जब अगर बहुत ही अच्छा सनी है तो उस दिन तो वाओ क्या व्यू मिलता है। यहाँ पे लोग बोट्स लेके आते हैं, बोटिंग करते हैं। तो वैंकूवर से अगर आप जा रहे हो विस्लर की ओर तो यहाँ पे रुकना तो मैंडेटरी है। तो चलो अभी हमने नाश्ता कर लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं नाइन फॉल्स के लिए। आई थिंक यहाँ से 1 आवर का डिस्टेंस होगा, तो अब आगे की जर्नी दिखाते हैं। अब यहाँ से बर्फ दिखना चालू हो गया है, रोड के साइड में भी है, सामने भी पहाड़ों में भी बर्फ दिख रही है। देखो साइड में भी बर्फ़ है थोड़ी थोड़ी, आगे जाएंगे और तो शायद और बर्फ़ मिले हमें। अब यही अगर हम दिसंबर में आएंगे तो पूरा बर्फ़ से ढका रहेगा सब। ये देखो और दिख रहा है, ये देखो बर्फ ही बर्फ। अब धीरे धीरे आगे रोड में भी बर्फ दिखेगी। अभी आगे विस्लर आने वाला है और वहाँ का आपको दिखाएंगे विस्लर रिसॉर्ट, अगर हम अंदर गए तो। वरना यहाँ पे विस्लर रिसॉर्ट भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पे लोग स्कीइंग करने आते हैं, फिर रिसॉर्ट में रुक जाते हैं, 2-3 दिन तक स्टे करते हैं। और विस्लर के ऊपर पीक टू पीक माउंटेन का जो भी हमारा ये गंडोला राइड्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पे। तो वैंकूवर में हो और विस्लर जाना आपके लिए मस्त है, हर कोई जाता है। ये देखो व्हाट अ व्यू। सुंदर व्यू, पूरा मिरर व्यू है, ये देख के मजा ही आ गया। तो हम लोग अब आ चुके हैं नाइन फॉल्स में। यहाँ पे पार्किंग क्लोज्ड है कोविड की वजह से, बट लोग आए हुए हैं, कम हैं बट हैं। और काफ़ी ठंड है यहाँ पे, फॉग है बहुत। तो अब हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं आपको एंट्रेंस दिखाती हूँ। तो क्या कह रहे हो प्रियेश? 1.5 किलोमीटर है फ्रॉम द पार्क एंट्रेंस। और यहाँ पे आके ये मैप देखो, हम लोग ऐसे यहाँ पे हैं और ये सी टू स्काई हाईवे है ऑल द वे अप अंटिल पेम्बरटन। काफ़ी सारे
पार्क्स हैं जैसे पोर्टो कोव जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, शैनन फॉल पार्क्स है जो हम कई बार पहले जा चुके हैं, स्क्वामिश, ये चीफ मरीन पार्क है, एलिस लेक पार्क है, ब्रैंडीवाइन ये भी कवर कर चुके हैं, कैलाघन लेक पार्क है, और आज हम आए हैं नैरन फॉल्स। इतना ठंड है कि मेरा हाथ पूरा इसके अगर और नॉर्थ में जाएंगे तो जॉफ्री लेक है, वो अभी कोविड के कारण बंद है, बट बहुत ही रेकमेंडेड लेक। मैंने फर्स्ट लेक उसका कवर किया है आई थिंक, है ना, फर्स्ट लेक किया, सेकेंड और थर्ड बचा है, और आई थिंक ये रहा, अच्छा ये ब्रैंडी वाइन का फोटो है, यहाँ तो हम जा चुके हैं। हाँ तो ये जॉफ्री लेक है और डूफे लेक पार्क है, ये दोनों काफ़ी फेमस हैं, जहाँ पे पेम्बर्टन आए तो ये दोनों तो कवर करना ही है हाइकिंग करने के लिए। तो आज हम नैरन फॉल्स करेंगे, ये 1.5 किलोमीटर ही है, और ये करने के बाद हम विस्लर टाउन जाएंगे, वहाँ पे लंच करेंगे, और सिटी सॉरी बोल टाउन का जो मेन मार्केट एरिया है वो घूमेंगे, और उसके बाद वापस वैंकूवर जाएंगे। चलो चलो चले। अरे वॉशरूम यूज करना है क्या? नहीं मुझे करना है, पकड़ो। ओ नो, आज का मौसम जो है मुझे काफी अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की धूप है और बर्फ गिरा हुआ है, ठंडा है, फॉग है, सब है, और हम करने आए हैं हाइक। पहला बर्फ का एक्सपीरियंस है इस सीजन का। हाँ। इस सीजन का पहला देखो आगे लोग भी आ रहे हैं हाइक करके, ये वापस लौट रहे हैं, हम अपना घूमते आए, काफी चीजें देखते हुए आए, तो हम लोग अभी पहुंचे हैं। इधर आओ ना, इधर काफी अच्छे टाइम पे आए। कैसा लग रहा है यहाँ आके? मुझे तो अच्छा लग रहा है, और क्योंकि इतना हमें रास्ते में भी इतना अच्छा अच्छा व्यू मिला, वो लेक मिला, मिरर लेक मिला हमें वहाँ पे, सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि भाई दो दो तीन तीन हफ्ते के बारिश के बाद आज इतना खुला मौसम मिला, दो तीन हफ्ते बाद ही कुछ ऐसे हाइक, तो वरना तो वैंकूवर में इतनी बारिश होती है तो जब भी ऐसा सनी डे मिले तो उसका एडवांटेज तो लेना ही चाहिए, कहीं बाहर निकलो, थोड़ा मूड फ्रेश करो, वरना काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है। अब हम जा रहे हैं नीचे, वो देखो वहाँ नीचे हमें जाना है, तो ये थोड़ा रिस्की माहौल से होते हुए हम जाएंगे। हाँ ये देखो नजारा, आय हाय हाय, हाँ चलो आफ्टर मस्ती हम चले वापस नारायण फॉल की तरफ। हाँ देख के आऊँगा, ये प्रेरणा को दौरे पर हूँ, क्या मस्त यहाँ से हाइक जो है। वो नदी के साथ साथ चलते हुए जा रहा है, हम नैरन फॉल के एंट्रेंस में पहुंच गए हैं, पहुंच गए, और वो रहा वैकुंठ का द्वार जहां हमें नारायण फॉल्स के दर्शन होंगे। हाँ ये काफी स्लिपरी लग रहा है,
तुम चले जाओ, मैं आता हूँ। चलो देखो तुमको क्या सही लग रहा है। उतना स्लिपरी भी नहीं है, जब बर्फ़ पड़ेगी तब ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, बट हाँ थोड़ा स्लिपरी तो है, बट ऑसम लग रहा है। हाँ इसको पकड़ के चल लो, अगर ऐसा लग रहा है कि फिसल रहा है तो। बस पहुंच ही गए, बस पहुंच ही गए, आपको दर्शन करवाते नारायण फॉल्स के। कैसा है नारायण फॉल्स? तो भाई नारायण फॉल का स्टोरी ये है कि पानी इतने तेज़ी से आ रहा है वहाँ से, और वो अपना यहाँ पे घूमता है, पानी का प्रेशर से वो नीचे जाता है और घूमता है, जिसके कारण वो पॉट होल जो वहाँ पे दिख रहा है वो ऐसा गोल सा बन के जाता है, क्योंकि पानी धीरे धीरे विद टाइम एंड फोर्स वो पानी पत्थर को काटते जाता है, इसी कारण यू विल सी मैनी पॉट होल्स लाइक दैट। यही इसका स्टोरी है। और ये यहाँ पर एक नया पॉट होल बनने की कगार पे है, और ये ओवर टाइम आफ्टर मैनी हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर यहाँ पे भी एक पॉट होल बन जाएगा सिमिलर टू दैट। ओ ये भी एक व्यू पॉइंट टाइप से लग रहा है। क्या है यहाँ पे? ओ तेरी, ये है रियल वाटरफॉल। वो देखो भैया तगड़ा। ओ तेरी जबरदस्त। ओ भाई साहब, अरे वहाँ पे एक पॉट होल बन रहा है वो, तो देखो वहाँ पे गोल गोल कटिंग हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीक